दोस्तों चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हरेक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों चाणक्य नीति द्वारा किसी भी स्त्री या पुरुष के बारे में जाना जा सकता है और किसी भी रिश्ते के मानवीय भाव की गहराई को समझा जा सकता है। इन सभी रिश्तों को जिस नजर से हम देख नहीं सकते उस नजरिए को चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने समझाया है। आचार्य चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ में अनेक नीति सूत्रों की रचना की जिन्हें समझने पर हमें काफी फायदा होता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के विषय में काफी कुछ कहा है। उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच और वो किस समय किस तरह से बर्ताव करती हैं, इन बातों पर खास अध्ययन किया है। आचार्य चाणक्य अपने ग्रंथ में लिखते हुए कहते हैं, महिलाएं कभी भी भरोसा करने लायक नहीं होती। दोस्तों उनके ऐसा कहने के पीछे भी कई ठोस तथ्य शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि उन्हें भरोसे के लायक नहीं बनाते। ऐसा इसलिए महिलाएं कोई भी बात अपने तक अधिक समय तक सीमित रख नहीं पाती। सीक्रेट बातें दूसरों तक ले जाना उनकी आदत होती है, इसलिए आप उनसे जो भी बात साझा करेंगे वो बातें दूसरे लोगों तक ना जाएं इसकी गारंटी नहीं होती। इसलिए आचार्य चाणक्य महिलाओं को भरोसेमंद नहीं मानते। महिलाओं के सामान्य लक्षणों के अलावा आचार्य चाणक्य ने महिलाओं की कुछ ऐसी बातों को अपने नीति शास्त्र में सामने रखा है जो कि उन्हें भरोसे के लायक नहीं बनाती। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनसे पुरुषों को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि कैसी स्त्री से विवाह करना चाहिए और कैसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की सुंदरता देखकर उसे परखता है और उसे पसंद करके उससे विवाह कर लेता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। दोस्तों विवाह के लिए स्त्री के संस्कार, उसका स्वभाव, उसके लक्षण, उसके गुण और अवगुणों के बारे में जानना चाहिए। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही शादी के बारे में निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करेंगे तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्री के संस्कार पर खास महत्व दिया है। उन्होंने बताया है, अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। वो अपने पति और उसके पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं है तो वो स्त्री सब कुछ तहस नहस कर देती है। दोस्तों चाणक्य के अनुसार यदि स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो पुरुष को उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो स्त्री है जो उसके भविष्य को सुखद बनाएगी। ऐसी स्त्री उसे एक श्रेष्ठ परिवार देगी। लेकिन इसकी जगह यदि गलत स्त्री को चुन लिया जाए जो कि संस्कारी नहीं है और परिवार की अहमियत नहीं समझती तो ना केवल शादी बल्कि सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ऐसी स्त्रियां अधार्मिक होती हैं, वो रिश्तों पर विश्वास नहीं करती, पल पल वो रिश्तों को तोड़ने का विचार करती हैं। ऐसी स्त्री परिवार के सुख के बारे में विचार नहीं करती बल्कि सभी को दुख पहुंचाती हैं। ऐसी स्त्री ना केवल विवाह के रिश्ते को खराब करती है बल्कि अपने पूरे कुल का नाश करती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।